नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ऐसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था जो महिलाएं अपने ससुराल में पति और पति के घर वालों के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही थी। लेकिन वर्तमान में इस धारा का काफी ज्यादा गलत उपयोग कुछ ऐसी महिलाएं कर दे रही हैं जो अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती हैं, या फिर पति के ऊपर दबाव बनाना चाहती हैं, या फिर कोई उनका व्यक्तिगत कारण है, यानी व्यक्तिगत कारणों की वजह से एक आपराधिक मामला बना दिया जा रहा है और पति और पति के घर वालों को काफी ज्यादा इससे परेशान किया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में जो पत्नी थी उसने अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर एक झूठा मामला दर्ज कराया। ये मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत दर्ज हुआ, लेकिन पति जो था उसने अपनी सूझबूझ से उस मामले को हाईकोर्ट से रद्द करा दिया। साथ ही साथ पत्नी के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगवा दिया क्योंकि पत्नी ने झूठा केस करके पति को परेशान किया था। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी जजमेंट को समझने वाले हैं जिसमें मामले को क्वेश किया गया है, साथ ही साथ पत्नी के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और मामले को क्यों क्वेश किया गया है, क्या कारण था, इन्हीं सारी चीजों को आज के इस जजमेंट के माध्यम से हम समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 CRPC, DV Act, Section 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे आप अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं, कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे आप जीत सकते हैं, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, कैसे सामने वाली पार्टी को परेशान कर सकते हैं, कैसे क्रॉस केस दर्ज करा सकते हैं, ये सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझ जाएंगे। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ये किताब आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज कर दिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है। जैसे जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट आते हैं, जैसे 498A क्वेश हुआ हो, पति और पति के घर वाले डिस्चार्ज हुए हों, 125 CRPC खारिज हुआ हो, DV एक्ट खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को आसानी से डिवोर्स मिला हो, सेक्शन 9 के आधार पे फायदा मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं तो उन्हीं की कॉपी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि आप इन जजमेंट से अपडेट रह सकें। और यदि आपका भी वैसा ही मामला होगा जैसे जजमेंट में है तो आप उसी जजमेंट का यूज अपने भी केस में करके वही फायदा ले सके जो जजमेंट वाले पति को मिला है। तो रूलिंग जजमेंट का बहुत ज्यादा उपयोग होता है आपके केस में। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई फी आपको नहीं पे करनी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़े हैं या कोई भी मुकदमा लड़े हैं उसमें आपकी मुझसे कोई ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, जैसे 340 CRPC की ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, बेल एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, 125 CRPC की जवाबदेही बनाना चाहते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस की जवाबदेही बनवाना चाहते हैं, या कोई भी आप मुझसे ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं तो ये आप मुझसे करा सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं और चीजों को बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक महत्वपूर्ण जजमेंट है और इस मामले में 498A के केस को क्वेश किया गया है, साथ ही साथ पत्नी के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी के बाद जो पत्नी होती है पति के ऊपर जाके थाने में एक FIR दर्ज कराती है जिसमें वो विभिन्न बातें लिखवाती है कि उसके 3 लाख रुपए की मांग किया जाने लगा शादी के बाद कार खरीदने के लिए, इसके लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, जान से मारने का भी प्रयास किया जाने लगा, उसके गले में फंदा लगा दिया गया था, इस प्रकार के कंप्लेन करती है और इसके आधार पे 498A दर्ज हो जाता है। जब FIR दर्ज हो जाती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है,
उसके बाद जो पति होता है उस मामले को क्वेश कराने के लिए हाईकोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाता है। जब पति हाईकोर्ट जाता है तो उसकी तरफ से कोर्ट में ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी का ये कहना है कि उसे फांसी लगाया जा रहा था और कभी पत्नी ये कह रही है कि उसे गाड़ी से गिरा के मारने का प्रयास किया गया। यानी जो पत्नी का यहाँ बयान आ रहा है वो विरोधाभास आ रहा है। पत्नी अपने कंप्लेन में कह रही है कि उसे फांसी लगा के मारने का प्रयास किया गया। 161 के बयान में कह रही है कि गाड़ी से आगे मारने का प्रयास किया गया। तो पहले तो पत्नी अपने ही बात में फंस रही है, खुद ही उसकी बातों से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि मामला पूरी तरह से झूठा है और सिर्फ परेशान करने के लिए दर्ज कराया गया है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि पत्नी जो थी वो पहले से ही शादीशुदा थी, अभी उसकी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एक मुकदमा चल ही रहा था और उस चीज को वो छुपा के यहाँ दूसरा विवाह कर देती है। वो बताती ही नहीं है कि उसका मुकदमा चल रहा है, पहले से वो शादीशुदा है। इन सब चीजों को छुपा के वो विवाह कर लेती है और पति को भी फंसा देती है अपने, यानी जो दूसरा पति है उसे भी फंसा देती है। तो ऐसे में यहाँ जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ये महत्वपूर्ण आधार है और इसके आधार पे मामले को रद्द किया जाए। कोर्ट भी जब मामले को देखता है तो यही पाता है कि पत्नी का बयान में विरोधाभास है। पत्नी खुद ही नहीं समझ पा रही है कि उसके साथ क्या हुआ है, कभी वो कुछ कह रही है कभी कुछ कह रही है। और इस प्रकार के मामले जहां विरोधाभास उत्पन्न होते हैं वो देख के ही प्रतीत होते हैं कि गलत है, फंसाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि किसी के साथ अपराध होता है तो वो अपनी बात पे अडिग रहता है, जो उसके साथ होता है वही बताता है, लेकिन झूठी बातें लोग अदल बदल के भूल जाते हैं कि मैंने पहले क्या कहा था, अब मुझे क्या कहना है। तो अगर विरोधाभास उत्पन्न होता है मामले में तो ऐसा मामला देख के ही झूठा प्रतीत होता है। और ऐसे में जो हाईकोर्ट होता है पत्नी के द्वारा लगाए गए इस मामले को, FIR को, केस को रद्द कर देता है। साथ ही साथ पत्नी के ऊपर, पति को परेशान करने के लिए, 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा देता है। तो यहाँ बहुत ही जरूरी और इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है, जिससे कि अन्य पतियों का भी हौसला बढ़ेगा। और यदि आपकी भी पत्नी का बयान जो है वो विरोधाभास है, अलग अलग तरह के बयान उसके आए हैं, तो आप चाहे तो इसके आधार पर भी मामले को क्वेश करा सकती हैं। और यदि आप भी पत्नी के ऊपर जुर्माना लगवाना चाहते हैं तो जब आप क्वेशिंग का अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसी में जो आप रिलीफ मांगते हैं उसी में आपको लिखना पड़ता है कि पत्नी के ऊपर कॉस्ट लगाया जाए। यानी कॉस्ट लगाने के लिए कोर्ट में आपको प्रेयर करना पड़ता है, तभी कोर्ट जो होता है वो कॉस्ट लगाता है। तो आप भी चाहे तो इस प्रकार के से पत्नी के ऊपर जुर्माना लगवा सकती हैं, उसके मामले को रद्द करा सकती हैं। इस जजमेंट का जो आर्टिकल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से जाके इस जजमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।